आइए कहिए भैया हम 3 साल से बिजनेस चला रहे हैं, 20-30 लोगों को हमने रोजगार दिया, अब आप हमें परमिशन दीजिए। एक सेकंड, 22 लाख सरकारी नौकरियां, 22 लाख सरकारी नौकरियां देने की गारंटी है 1 साल में। मैं 2 करोड़ का वायदा नहीं करूंगा, मैं आपको यह बता दूंगा कि न्याय योजना लाखों करोड़ों युवाओं को इकोनॉमी स्टार्ट करके रोजगार देगी। मैं आपको 2 करोड़ का नंबर नहीं दूंगा, मगर मैं आपको नंबर दे सकता हूं, 22 लाख युवाओं को गारंटी करके 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी हम दे देंगे, 10 लाख युवाओं को पंचायतों में हम रोजगार दे देंगे। आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़ें, इसमें मिडिल क्लास जो हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है और जो फ्रेंकली हमारा फ्यूचर है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हमने निकाली हैं। कैन वी हैव फ्रॉम दैट? अच्छा एक सेकंड, आपने ये सवाल पूछा मुझसे, आप मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बताया रोजगार के बारे में हम क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है रोजगार के बारे में? मैंने आपको लिस्ट दी कि युवाओं से हमने बात करके उनसे पूछा, उन्होंने हमें बताया 3 साल बिना परमिशन दीजिए, किसान का बजट, नया कानून जिससे किसान कर्ज लेने के लिए जेल में नहीं जाएगा, फंडामेंटल चीजें, इसमें स्ट्रेटजी है। और सब लोगों ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत जबरदस्त मैनिफेस्टो बनाया, क्यों बनाया है? क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की आवाज नहीं है, ये हिंदुस्तान के युवाओं की, किसानों की, मजदूरों की, छोटे दुकानदारों की, माताओं बहनों की आवाज है, इसीलिए इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत इफेक्टिव डॉक्यूमेंट है, और ये इफेक्टिव डॉक्यूमेंट है और ये हमारा वायदा है। अब आप मुझे बताइए नरेंद्र मोदी जी के वायदे कौन से हैं, रोजगार के बारे में कौन सा वायदा है, भ्रष्टाचार के बारे में कौन सा वायदा है, किसानों के बारे में कौन सा वायदा है? कहते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी में मैं बहुत स्ट्रांग हूं, अरे भाई आर्मी काम कर रही है, आर्मी 70 साल से काम कर रही है, उनका रिकॉर्ड है देख लीजिए, हर युद्ध में हिंदुस्तान की आर्मी जीती है, टेरिफिक रिकॉर्ड है। नरेंद्र मोदी का उससे क्या लेना देना, वो तो उनका काम है। नरेंद्र मोदी जी आप देश को बताइए, आप युवाओं के लिए क्या करने जा रहे हैं, आप बताइए आप किसानों के लिए क्या करने जा रहे हैं, आप महिलाओं के लिए, माताओं बहनों के लिए क्या करने जा रहे हैं? सिलेंडर का पैसा आपने ले लिया, केरोसिन की सब्सिडी आपने ले ली, अगले 5 साल में बताइए 2 बार डिमोनेटाइजेशन करेंगे या 3 बार, ये देश को आप बता दीजिए। गब्बर सिंह टैक्स को आप मतलब 7-8 टैक्स लगाओगे या 10 टैक्स लगाओगे, बता दो देश को, इधर उधर क्यों भाग रहे हो? और फाइनल बात मैं आपको बता देता हूं, राफेल मामले में चौकीदार ने 30,000 करोड़ रुपए चोरी किया है। अब आप लोग सवाल पूछते हो कि मैंने सुप्रीम कोर्ट को अपोलोजाइज किया, बिल्कुल मैंने सुप्रीम कोर्ट को अपोलोजाइज किया, मैं आपको बताता हूं तो बता देता हूं क्यों किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रोसेस चल रही है और मैंने उस प्रोसेस के बारे में कमेंट कर दिया और वो मेरी जगह नहीं है तो मैंने अपोलोजाइज कर दिया। मगर चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है, और चौकीदार चोर है रियलिटी है, और मैं ना नरेंद्र मोदी से, ना बीजेपी से, ना किसी और से अपोलोजाइज कर रहा हूं। मैं इसलिए अपोलोजाइज किया क्योंकि प्रोसेस के बीच में मैंने अपनी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के बारे में दी और वो मैंने गलत किया, गलती हो गई तो मैंने उनसे माफी मांग ली। विक्रांत कोई पेट में दर्द नहीं है, आप करिए बहुत अच्छा है और हम आपसे दुगना करेंगे, मगर देश के सामने बाकी जो समस्याएं हैं और जो सबसे जरूरी समस्या रोजगार की समस्या, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ तो कह दीजिए, कुछ तो बताइए स्ट्रेटजी क्या है आपकी, किस प्रकार से आप काम करेंगे। फ्रेंकली आपको बताऊं, प्रधानमंत्री को मालूम ही नहीं, प्रधानमंत्री के पास वो एक्सपर्टीज है ही नहीं, और जो उनके एक्सपर्ट्स हैं वो उनका प्रयोग ही नहीं करते हैं तो वो बता भी नहीं सकते हैं। और मैंने उनसे कहा है देखिए आ जाइए मेरे साथ, मेरे सामने आ जाइए, डिबेट कर लीजिए, रोजगार के बारे में कर लीजिए, भ्रष्टाचार के बारे में करते हैं, आइए भ्रष्टाचार के बारे में बात कर लीजिए, 5 मिनट बात, मुझे 10 मिनट दे दीजिए, जहां चाहेंगे, सिर्फ अनिल अंबानी के घर में नहीं जाऊंगा। प्रणय आई विल कम टू यू ऑल्सो सर, आई एम नोटेड, लेट मी जस्ट गो अराउंड। देखिए
हमारा पहला लक्ष्य बीजेपी को, नरेंद्र मोदी जी को हराने का है, हिंदुस्तान के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बचाने का है। और हमने हमारी पोजीशन क्लियर कर दी है, चुनाव से पहले हम इन चीजों की बात नहीं करने जा रहे हैं, चुनाव के बाद जब रिजल्ट्स पता लग जाएंगे फिर हम वो बात करेंगे, क्योंकि ये सब डिस्ट्रैक्ट करता है। हम आज नरेंद्र मोदी को हराने जा रहे हैं और हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान में अंडर करंट है और बीजेपी हारने जा रही है, और हम पूरा दम लगा के कोऑपरेट करके वो काम कर रहे हैं। ज़ेबा I don't really see a campaign being run by the BJP. I don't see a strategic campaign being run. They started off by saying national security, and then halfway through they suddenly said, well, national security is not good enough, and then they came up with Vikas. So I don't see a campaign. I see a scared prime minister unable to face the onslaught of the opposition. And I see a prime minister who is absolutely convinced in his mind that he is trapped and he is not going to succeed. So what I see is a panicky campaign. And then whenever the prime minister is asked fundamental questions, we're 1.4 billion people. When he is asked, listen, please tell us, why is it that we have the highest unemployment rate in 45 years? Why is it that 27,000 youngsters every 24 hours are losing their jobs? And he hasn't got an answer. So then he runs off to the seaplane model, where he goes and says, okay, you know, here's an excuse for me. Can we have one question from their side? Archie's Mohan. No, ye aapka perception bilkul galt hai. न्याय योजना कोने कोने में पहुंच गई है, और न्याय योजना का जो पावर है, 72,000 गरीबी परिवार, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट है ये। और पहली बार दुनिया में किसी देश ने ऐसी चीज अटेम्प्ट की है कि लाखों करोड़ रुपए गरीबों को दिया जाएगा, और न्याय योजना से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को फिर से जंप स्टार्ट किया जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान के सामने इकोनॉमिक क्राइसिस है, उस बात को नरेंद्र मोदी मान नहीं रहे। जो हमारी सिचुएशन 91 में थी, वो सिचुएशन आज है। 91 में हमने एक नया मॉडल दिया था, और इस मैनिफेस्टो में हिंदुस्तान के लिए एक नया मॉडल है, शुरुआत है नए मॉडल की, मगर न्याय योजना बिल्कुल अंदर घुस गई। मिस छादे, नहीं नहीं देखिए, अजहर मसूद अजहर मसूद इज अ टेररिस्ट, एंड द स्ट्रिक्टेस्ट ऑफ एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट हिम। उसको वहां भेजा किसने? वो आज, मतलब ये टेररिस्ट नियुक्त हो रहा है, उसको भेजा किसने वहां? वो पाकिस्तान पहुंचा कैसे? उसको क्या कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान भेजाया? कैसे गया था वो वहां? किस सरकार ने टेररिज्म से निगोशिएट करके, किस सरकार टेररिज्म के सामने झुककर उसको वापस किसने भेजा? कांग्रेस ने तो नहीं भेजा। तो रियलिटी है, बीजेपी कॉम्प्रोमाइज करती है। कांग्रेस ने ऐसा काम कभी नहीं किया, किसी टेररिस्ट को वहां पाकिस्तान नहीं भेजा कांग्रेस पार्टी ने, कभी नहीं भेजा और ना कभी भेजेंगे। I just want to say one thing to in response to that. See, terrorism is a huge issue, and frankly, it has to be dealt with very, very sternly. And we agree on that. We agree that terrorism has to be dealt with sternly. In fact, we will deal with it more sternly than Mr. Narendra Modi, because we deal with it with a strategy as opposed to just with events.
However, there are other huge issues in the country. There's the issue of joblessness. There's the issue of farmers' debt. There's the issue of a collapse of agriculture. Let's have a discussion on those as well. I'll come to you. You have to wait for your turn. There is a person who's already asking. And I'll come to you. जहां बीजेपी के मामले हैं, चुनाव आयोग इज एब्सोल्युटली ऑन द स्ट्रेट लाइन. जहां ऑपोजिशन के मामले हैं, चुनाव आयोग इज यू नो कंप्लीटली बायस्ड. सो इट इज प्रिटी क्लियर. देखिए, जो इंस्टीट्यूशन की मैंने बात की, नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस का काम करने का तरीका इंस्टीट्यूशंस को पकड़कर प्रेशर करना, वो सब जगह दिख रहा है. वो सुप्रीम कोर्ट, ईसी, प्लानिंग कमीशन, आरबीआई, सब जगह दिख रहा है. वो उनकी अप्रोच है. तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि इलेक्शन कमीशन उस प्रेशर से इफेक्ट नहीं होगा. हम जानते हैं, मगर हम ये भी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो भी कर दे, हिंदुस्तान की जनता ने मन बना लिया है. और हिंदुस्तान ने जनता ने मन बना लिया तो कोई कुछ नहीं कर सकता. बट फ्रेंकली, इलेक्शन कमीशन की जो जिम्मेदारी है, दे हैव टू कमिट टू दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दे हैव टू कैरी इट आउट. बिकॉज फ्रेंकली, ऑल दिस इंस्टीट्यूशनल कैप्चर दैट इज बींग टेकन प्लेस एंड ऑल द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ इट विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस. दे विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस इन द फ्यूचर. वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ द इंडियन इंस्टीट्यूशंस to be disturbed, controlled, crushed. And anybody who colludes, anybody who falls to this pressure is committing a crime. Yes. बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, मगर मैं स्टेट वाइज नहीं जाऊंगा उस डिटेल में. मैं ऐसी सिचुएशन में जाना मतलब ठीक नहीं होगा. बट मैं आपसे कहूंगा कि हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और हम आसानी से बीजेपी को हराएंगे. अनूप जी, देश जानता है कि मैं मतलब भ्रष्टाचार पे बात करना चाहता हूं, और जो चौकीदार जी हैं वो डरते हैं, आ नहीं सकते. क्योंकि देखिए, क्लियर कट बात है, वो हिंदू अखबार के मैं उनके सामने डॉक्यूमेंट रख दूंगा, वहां पे रख दूंगा कि भैया नरेंद्र मोदी जी, आप मुझे ये समझा दीजिए यहां पे ये क्यों लिखा है कि भैया आप पैरेलल नेगोशिएशन कर रहे थे, ये आपके डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर ब्यूरोक्रेट ने लिखा है. वो ये बता दीजिए कि ये जो हॉलैंड जी हैं, इन्होंने आपके बारे में क्यों कहा. शायद मैं मतलब फोन भी मार दूं वहां पे हॉलैंड जी को, वहां भैया ये इन्हीं के सामने बोल दो, खड़े नहीं हो पाएंगे. देयर इज अ या प्रधानमंत्री का नेचर है कि जब उन पर दबाव पड़ता है, उन पर प्रेशर पड़ता है, वो भाग जाते हैं.